हाँ दोस्तों, मैं सुखवीर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हिंदी किताब को पढ़ना, यानी हिंदी में एक कहानी है। कहानी का नाम है नेकी की राह। बहुत ही अच्छी कहानी है, हम इसको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी आते हैं, तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये है, इसको हम पढ़ते हैं रेतो, इच्छा, इस तरह के और भी कठिन शब्द आएंगे आगे, तो इनको हम कैसे पढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम भी पढ़ेंगे साथ साथ, आप भी पढ़ते चलिए। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। शीत ऋतु अपने चरम पर थी, चारों ओर पहाड़ों और यह जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर सा गांव था। चारों ओर मतलब पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर गांव था। वहां एक छोटी लड़की रहती थी। उसे अपने सहेली के घर जाने की इच्छा हुई। उसे अपने सहेली के घर जाने की इच्छा हुई। वह अपने हाथ में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा लेकर घर से चली। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े को देखा। मैं भूखा हूं, उसने एक बूढ़े को देखा, यानी बूढ़ा आदमी था। उसने कहा मैं भूखा हूं। उसने कहा मुझे कुछ खाने को दो। लड़की ने उसे रोटी का टुकड़ा दे दिया। वृद्ध ने अपने दोनों हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक छोटा बच्चा मिला। बच्चे ने लड़की से प्रार्थना की, यहां पर की होना चाहिए बड़ी की मात्रा की, मुझे उड़ने के लिए कुछ दो। लड़की ने थोड़ी देर
सोचने के बाद झटपट अपना साल निकाल कर उसे दे दिया। थोड़ा आगे गई एक बच्चा ठंड से कांप रहा था। लड़की को उस पर दया आ गई। उसने अपनी मफलर से बच्चे को ढक दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद अब वह खुद सर्दी से कांपने लगी। वह एक पेड़ के नीचे डुबक कर बैठ गई। अगले ही पल उसने तारों को आसमान से नीचे गिरते देखा। उसने जब गौर से देखा तो वे सोने के सिक्के थे। उसका शरीर सुंदर कपड़े से ढक गया। उसके पैरों में जूते थे। गले में मफलर थी। उसके सामने एक सुंदर सी टोकरी थी जो फलों और मिठाइयों से भरी हुई थी। भगवान ने उसकी दयालुता के लिए उसे आशीर्वाद और इनाम दिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।